Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं स्पीक्स वंस अगेन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज आज खेला जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। साउथ अफ्रीका का सामना होगा इंडिया के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि इंडिया की टीम जीतने जा रही है, बट लेट्स सी क्या बनता है। बट अभी मैं थोड़ा सा दुख में हूँ। दुख में इसलिए हूँ कि मैंने भी ये नया नया ट्रैक सूट जो है देखे, इसकी ये स्टीकर अभी खराब होना शुरू हो गए। एक दिन मैंने पहना है जस्ट, ये भाई के दोस्तों की शॉप से जो भी चीज लेके आओ ना, थकी भी निकलती है। जैसे वो थका हुआ है ना, वैसे उसके दोस्त भी थके हुए हैं। ठीक है, बट अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज का। लेकिन चलें, अब जाना किधर है? जाना 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 काफी दिन से प्लानिंग थी, लेकिन अभी जाना है स्नेहन की मूवी का जो टीजर आने वाला है ना। मूवी का नाम क्या है? इफरत, लड़कियों वाला नाम लगता है ना। काम भी उसके लड़कियों वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मूवी का नाम इफरत है। ठीक है, तो काफी अरसे में आप सुनते ही रहते होंगे मूवी की शूट पे गया है ये वो लटर पटर। तो लेकिन अभी वो तो घर गया हुआ है रहीम यार खान, लेकिन उनका मूवी की जो टीजर है ना, उसका इवेंट आज आना है। तो आज हमने वहां जाना है देखने के लिए, उन्होंने बुलाया हुआ। ठीक है, उसको कवर भी करेंगे, डायरेक्टर साहब ने भी कॉल की थी, तो जाना तो पड़ेगा। ना भी जाएं तो भी बातें हैं। ठीक है, तो भी निकलते हैं, तो कोशिश करेंगे मैच से पहले वापस आ जाएं। नुमान को रिश्ते से उठाते हैं। A few minutes later. अस्सलाम वालेकुम। बड़ा डांस कर रहा है सिंगल यहाँ पर। मैं टिकटॉक पर तो ही मैक मलिक बनना अगला दिन। हैं? फिर यार है मेरे नाल ही काम चलाओ। ठीक है, फिर हूँ इसी भी चलाओ। चला ही ना था, बाहर ही जाना मैं दाऊद प्लाजे। जी अभी हम पहुंचे हैं दाऊद प्लाजा। ठीक है, तब उन तक लेने का ऑब्वियस ही बात है, नीचे तो नहीं होगा, इस वाले में ही चलते हैं। ठीक है, आज ये तको जी नवी रोड बनती है, लेकिन अद्धी बनती है। परला पासा आने के उन्ना बनाने। आ जाओ जी नुमान साहब। ओए ओए ओए, ए फिल्म है रहा एक मेरे दोस्त ने बनाई है, जो लंबे बाला ना नहीं हमारे नाल। ठीक है, उसना पति फिल्म तो पहले ट्रेलर जे आशना होना, उसना इवेंट है। ठीक है, हूँ है पता नहीं कुछ है, लग भी जासी लग भी जासी। The half hours later. इधर चलेगा जी, तो इनका टीजर शीजर का सिस्टम। ठीक है, हाँ नमी भैया इधर ही ऐसा। सो जी ये लोग यहाँ पे कैमरे शैमरे एडजस्ट कर रहे हैं। भैया ना था तो बताते। ट्रेलर के लिए दे रहे हैं। अच्छा यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
A few moments later. हाँ, इनके ऑफिस में चीजें बड़ी प्यारी लिखी हैं। Your best teacher is your last mistake. भाई आपने आखिरी गलती क्या की थी? मैंने रात को सोने से पहले पानी नहीं पीया। तो जी ये सभी आपने टीजर शीजर देखा तो टीजर जिनकी काविशु से जिनकी मेहनत से आप लोगों ने देखा डायरेक्टर उस्मान अली शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है कैसे जी डायरेक्टर साहब? यार सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में लाइक इस तरह की चीजें नहीं देखी मूवी शूवीज वगैरह तो, लेकिन जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन ब्रिलियंट था। ठीक है तो अब मैं कुछ ज्यादा सस्पेंस वाली चीजें नहीं पूछूंगा कि फिल्म में क्या है या मूवी में क्या है सीन, वो देखें आपकी मेहनत है, वो सस्पेंस तो बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि वो ये बातें यहाँ रिवील कर दें तो फिर इतनी मेहनत का मकसद। ठीक है तो फिर भी आप जो भी थोड़ा बहुत ऑडियंस को बताना चाहें कि आपने प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया, इसका नाम और नाम के पीछे क्या मोटिव है और अपनी कॉस्ट के हवाले से कुछ बताना चाहें तो। सिंपली यार हमारे मुल्क में जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं छाती पे पेंट बांधने वाले पीटीवी पे एटीवी पे या जितने जहाँ पे भी बैठे हैं दे हैव वन स्टोरी, एक था राजा एक थी रानी। अब बाद में चीजें बदल जाती हैं कि राजा मर जाता है कभी रानी मर जाती है कभी दोनों मिल जाते हैं। सिंपली लव स्टोरीज एक रह गया कंटेंट। तो मेरे मैं शुरू से हॉलीवुड देख के बड़ा हुआ हूँ बॉलीवुड एटसेट्रा और तो मेरा शुरू से यही है कि हम थोड़ा एक्सोटिक थोड़ा डिफरेंट थोड़ा फैसिनेटिंग कंटेंट बनाए। पहले हमने फिल्म की दैट वाज फैंटास्टिक, अच्छी थी बुरी थी बट हमें अच्छा फीडबैक मिला और दैट वाज वार्म अप फॉर मी। और इसका जो नाम है यार वो है इफ्रित। इफ्रित एक जिन है और जो अपनी नस्ल कशी के लिए कॉन्टेक्ट करता था फीमेल से और देन ठीक ही जस्ट लेफ्ट देम और अपनी नस्ल को बढ़ाता है। ठीक ही इज अ मोस्ट पावरफुल डीमन ऑन गॉड्स अर्थ। ठीक ही सबसे जो खतरनाक जिन है जी वो इफ्रित है। वो इस मूवी में आप देखेंगे जी। हाँ उस इसका नाम हमने एक तो मुझे बड़ा शानदार लगता था इसलिए हमने रखा है, दूसरा काफी सारा उसका लाइक हमने जिसे कहते हैं ना रेफरेंस यूज किया हुआ है। ठीक और है। इसको हम बना रहे हैं लास्ट सितंबर से। ठीक है तो हमने इसको शूट किया है इस्लामाबाद में, हमने इसको शूट किया है किला रोहतास में, हमने इसको शूट किया हुआ है मुल्तान वाली साइड पे और हमने मोस्टली मीरपुर में शूट किया। ये भी देखें एक अच्छी चीज़ है कि अब ये जो कॉस्ट है मैं कोई इलाकाइयत पे बात वैसे भी नहीं करता होता लेकिन बेसिकली ये लोग पंजाब साइड से हैं लेकिन ये हमारे मीरपुर को कितना प्रमोट कर रहे हैं ये अच्छी बात है कि बिकॉज मीरपुर के कई इलाके लोग हैं। आप इस फिल्म में ऐसे ऐसे सीन देखेंगे और मैं क्योंकि यानी शाहिद रहूँ साथ रहूँ इनके तो अब ऐसे ऐसे सीन्स देखेंगे जो शायद हमने रियलिटी में या अपनी नेकेड आई से नहीं देखे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा ये इलाका जिसकी बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में मौजूद है स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में तो वो लोग भी अपने एरिया से फैसिनेट हों। लोग चाहे जहाँ के भी हों वो आपकी जगह को आपकी जमीन को आपके लोगों को इज्जत दे रहे हैं तो उनकी भी इज्जत करना बनते ही है। कैरी ऑन करें जी। एंड देन मेरा एक सवाल आपसे इस रिलेटेड ये है कि ये जो कास्ट आपने बनाई है ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों पे? जो हमारा बेसिक लीड वन लीड टू है ना, लीड वन में हमारे पास हसनैन है और ही इज नॉट हीरो। बात तो सही है फिल्म में हीरो नहीं है। ठीक है लीड टू में हमारे पास हामिद है और लीड फोर में हमारे पास लड़कियां हैं दो, यानी कि हमारे पास जो बेसिक करेक्टर्स हैं वो चार से पांच है। ठीक है और बाकी उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे, बाकी छोटे छोटे रोल आप कोई भी फिल्म देखते हैं देयर आर मेनी ऑब्वियसली बात है लेकिन जो बेसिक लीड्स हैं हमारे पास वो तीन से चार है। एंड देन वन लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब तक रिलीज कर रहे हैं फिल्म? हमने 80-90% मुकम्मल कर ली हुई है। ठीक है थ्रू फ्यू पोस्ट क्रेडिट सीन्स हमारे पास हैं जो हमने शूट करने हैं सिर्फ है। और फिल्म अगस्त में रिलीज होनी चाहिए हर सूरत। कोई ऑडियंस को मैसेज लास्ट देना चाहे अपनी मूवी के हवाले से? गेट रेडी फॉर द डार्क। थैंक यू। नाइस थैंक यू जी डायरेक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सो जी अभी लाइट शेड यहां पे ठीक है तो अभी टीजर शीजर देख लिया नोमी किया जा लगा मजे पहली बारी को साफ चीज तो की है तू। ठीक है जी अब हम घर की तरफ ही चलते हैं, गर्मी शुरू में बहुत हो गई है। ओए ओए मजे की चीज इन अ सेंस है लेकिन अब ये पूरी आएगी ना तो फिर ही ज्यादा पता लगेगा। ठीक है पूरी भी तक न्यूज तो जी आना अपने आज आयु नहीं आना चिड़ी जगह खेलने लगे हो खेलो 2000 years later. So, guys, finally, मैं वापस आ गया हूँ मूवी शूवी का टीजर देख आया हूँ। देखे ऑनेस्टली स्पीकिंग
मुझे कोई इतना आता पता तो है नहीं इन चीजों का, मैं इतनी ये चीजें देखता वेखता तो नहीं हूँ ये इस तरह के सीजन इस टाइप, बट एज ए व्यूअर एज ए फ्रेंड बहुत अच्छा था यार, काफी अच्छा था। क्योंकि देखें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन देखें जितना इनपुट होगा ना उतना ही आउटपुट होगा, ये सिंपल सी लॉजिक है ना। इनपुट उन्होंने जितने उनके वसाइल थे जितने उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसके मुताबिक उन्होंने किया है, उतना ही उनका आउटपुट भी वेल एंड गुड होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा अगर हमको हॉलीवुड लेवल पे एक्सपेक्ट करेंगे तो वो चीज तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन जितना है उतना बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब आज के दिन की अगली असाइनमेंट शुरू होने जा रही है, वर्ल्ड कप शुरू का फाइनल शुरू में आधा घंटा बाकी है, तो लेट्स सी क्या बनता है। सो स्टे ट्यून।